भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित जिले के बिंद्रा नवागढ़ और राजिम विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक डमरूधर पुजारी एवं पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने केंद्र सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। विधायक और पूर्व विधायक ने फेसबुक लाइव के माध्यम से विधानसभा की आम जनता और कार्यकर्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए जमकर बरसे। कहा कि विकास के कार्य ठप पड़े हैं, गांव गरीब और किसान परेशान हैं, कांग्रेस के कारण छत्तीसगढ़ विकास में पीछे चल रहा है, विकास कार्यों के लिए फंड का अभाव स्पष्ट नजर आ रहा है क्योंकि अनेक योजनाएं बंद हो गई हैं जिसके कारण हितग्राही परेशान हो रहे हैं। जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम में उत्साह दिखाया। विधानसभा स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम में बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी निष्ठा मेहनत और ताकत के बदौलत क्षेत्र में भाजपा का विधायक है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने सांसद चुनकर भेजा है। पुजारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों के लिए समर्पित रहा है। जहां विश्व में भारत की आन बान और शान बढ़ी, देश की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष इस आपातकाल में ऐतिहासिक निर्णय ले रहा है। वहीं विधायक पुजारी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सत्ता में काबिज होने के लिए प्रदेश की जनता को सिर्फ ठगने का काम हो रहा है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने कहा कि अखंड भारत की कल्पना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को केंद्र की मोदी सरकार ने साकार करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दिया है जिससे कि भारत का वैभव बढ़ा है। नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल गरीबों को समर्पित रहा, पूर्ववर्ती सरकार में गरीबी नहीं गरीब हट गए। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक निर्णय के चलते उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि इस कोरोना संकट के दौरान खाद्यान्न योजना PDS कारगर साबित हुई है, यह योजना देश में लागू हुई है, इसके लिए उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई भी दी। उपाध्याय ने राज्य सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि इन 1.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की आम जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से नाखुश है। नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक है। उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ रोका छेका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की सरकार है, मवेशी रोड में आ गए हैं, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार सिर्फ बैठकर केंद्र सरकार को खत लिखने का काम कर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता में आने के लिए हाथों में गंगा जल लेकर कई लुभावने वादे किए थे। DNX TV के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट। संवाद का कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश साहू जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गरियाबंद जिला और इस कार्यक्रम में हमारा जो राजीव और वृंदावन जी हमारे राजीव के प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री संतोष ने लिया है जी। अयोध्या में रामलाल राम मंदिर बनने का फैसला कोर्ट ने दिया और आज राम मंदिर का फैसला भी हुआ और हमारे जो मुस्लिम भाई बहने रहते हैं उसको भी 3 तलाक की एक हमारी संशोधन बिल लाया। तो मैं सभी हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मैं हमारे देवी जनता को महादेव भूपेश्वर नाथ भगवान को और हमारे राजीव लोचन भगवान और हमारे कुलेश्वर महादेव भगवान और जतमई घटरानी को और कुंभेश्वरी पुरेश्वरी और गरियाबंद जिला की भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री SSC आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो
योजना का और एक साल मीडिया प्रभारी आदर सिंह जी और हमारे सजावन किया भारतीय जनता पार्टी के प्रसारण मंत्री आदर्शनी राधेश्याम वर्मानी जी और हमारे युवा साथी हमारे रविशंकर जी और इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे जो गरियाबंद मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल की एक साहसिक योजना है जो दो कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के नाम से हम लोग कभी नहीं सोचे थे और आज हमारा ऐतिहासिक निर्णय लिया है देश के प्रधानमंत्री कि आपके सामने हमारा जो देश में हम लोग आज निर्णय ऐतिहासिक जो आप जानते भी होंगे कि अनुच्छेद 370 और हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम 230 और हमारे माननीय मोदी जी ने ये व्यवस्था की है, यहाँ से बटन हम दबाएंगे दिल्ली से तो सीधा हिंदी के पास पैसा पहुंच जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने अपने सरकार के कामों को गरीबों को समर्पित किया था। पूर्ववर्ती सरकारें जहां गरीबी हटाओ के नारा लगा लेकर एक गरीब आदमी जब कहता है कि तुम कहां रहते हो तो मैं प्रधानमंत्री आवास में रहता हूं, एक गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 1 रुपये हर महीने जमा करके 12 रुपये राशि साल भर जमा करके यदि किसी गरीब के परिवार में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई विपत्ति में किसी मुखिया की मौत हो जाए तो 2 लाख रुपए प्राप्त होता था। जब मैं विधायक था तो लोगों को जब 2 लाख रुपए चेक देता था उनके मन में जो योगी जी के प्रति एक अजीब प्रेम अजीब विश्वास दिखता था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रुपए जमा करके ढिंढोरा पीट रही हम अपने जनता को अनाज दे रहे हैं, लेकिन मित्रों ये अनाज 20,000 करोड़ भेजो यही बात लगातार वो करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में काम किया है गरीबों के लिए, चाहे चावल हो, चाहे जनधन के खाते में 5 रुपए भेजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलवाकर पहले लोग बैंक में जाने के लिए डरते थे, आज परिस्थिति है कि जनधन योजना खुलवाकर आज लगभग 38 करोड़ लोग जनधन योजना में खाते खुलवा चुके हैं। आज उन खातों से महिलाओं को इस वैश्विक महामारी में कोविड-19 जिसमें आदमी घर से घर निकल नहीं पा रहा है, आपस में परिवार में जा नहीं पा रहा है, तो मार्च से आदरणीय मोदी जी ने 5-5 रुपए की राशि देकर उन गरीब महिलाओं को, उन बेसहारा लोगों को एक विश्वास पैदा किया जीवन जीने के लिए। साथियों, मोदी जी के ये पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर 370 खत्म किया। मुस्लिम महिलाएं जो प्रताड़ित होती थी, 3 तलाक खत्म हुआ। मैं बताना भूल गया कि गरीब महिलाएं जो घर में लकड़ी लेकर आती थी, सबकी आंख लगभग उन महिलाओं का आंख खराब हो जाता था। आज माननीय मोदी जी ने उस व्यथा को समझे शख्स ने हमारा संरक्षक बनना स्वीकार किया, भारत के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने गरीबों की रक्षा की। स्वच्छता अभियान के मामले में आगे चलकर जब तक मोदी जी हैं हम सरकार में नहीं आ सकते,
लोगों को गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता छीनी जाए। अभी कांग्रेस की लगातार नागरिक संशोधन विधेयक में दबाव कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक में किसी की नागरिकता छीनी नहीं। लेकिन विपक्ष के लोग चाहे कांग्रेस हो चाहे मार्क्सवादी लोग हो, उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन किया हम सभी को, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस फेसबुक के माध्यम से जितने भी तमाम कार्यकर्ता हमारे राजीव विधानसभा क्षेत्र के आम जन जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सुनेंगे उन सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। नमस्कार। जो बरसात गिरी नदी जलाकर एक तपस्या करती थी, उन तपस्या के फल रूप में मोदी जी ने उनको गैस सिलेंडर देकर उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। गरीबों को मुफ्त अनाज, इस कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि हमारे जिला के जिला अध्यक्ष बड़े भैया सम्मानित श्री राजेश साहू जी, मंचस्थ हमारे बड़े भाई जिला को उपाध्यक्ष सम्मानित छत्तर सिंह जी, और मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भैया जिला के महामंत्री सम्मानित अनिल चंद्राकर जी, और इस गरियाबंद मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष महोदय सोरेन छोन टेके जी, सम्मानित बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डमरूधर पुजारी जी, रवि सिंघल जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय बोहरा जी, और आज का जो कार्यक्रम जिनके कारण हो पा रहा है हमारे आईटी सेल के जिला संयोजक सम्मानित सागर मयाणी जी, और उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधु आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष हो गया है।